वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे ब्लॉग का तीसरा दिन है और कल का सुबह हुआ था चतरा में झारखंड, और आज का हो रहा है अपने गांव पटना में। तो हमारे गांव का कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप लोग देखिए, ये चारों तरफ हरियाली। आज हम आए हैं यहाँ पटना के बगल में है फतुहा में एयरटेल लॉन्च हुआ है। तो आज मेरे साथ है एयरटेल के सेल्समैन संजीव जी, और ये है एयरटेल के TSM मिस्टर कमलेश यादव। तो हम बताएंगे भाई कि कौन कौन सा प्लान एयरटेल में अभी लॉन्च है और हमें कस्टमर को कौन सा प्लान देना चाहिए, या कैसे ये सेल्स करते हैं, कैसे कस्टमर को बेनिफिट्स बताएंगे एयरटेल के बारे में। तो आइए जानते हैं इनसे। हाँ सर जी, जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं एयरटेल स्ट्रीम फाइबर का सेल्स पर्सन हूँ मैं इस पूरे फतुहा लोकेशन के लिए। एंड अभी करीब करीब साल भर से मैं काम कर रहा हूँ इस एयरटेल फील्ड में। एंड अभी हमारे पास जो करंटली प्लान चल रहा है, हमारे पास 40 Mbps के प्लान है, 100 Mbps के प्लान है, 200 and 300 Mbps तक के प्लान है हमारे पास। और हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे पास जो एयरटेल के जो ब्रॉडबैंड कस्टमर हैं, अगर वो चाहे तो साथ में एयरटेल का डिश टीवी भी लगा सकते हैं। उसके साथ में प्रॉफिट ये होता है, कस्टमर का कॉस्ट सेविंग होता है इसमें सब। जैसे कि मान लीजिए कि आप कस्टमर हैं, आपने आपको आपके घर पे डिश टीवी भी चल रहा है और इंटरनेट भी चल रहा है, दोनों का आप अलग अलग बिल पे कर रहे हैं, और एयरटेल वो सिस्टम लेके आया है कि आप एक प्लान लीजिए, आपके घर में इंटरनेट भी चलेगा, डिश टीवी भी चलेगा, और कंपनी के माध्यम से आपको कॉलिंग का प्रोविजन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्लान है हमारा 3004 रुपए का। अच्छा, जो आपको इंटरप्ट करते हैं, एक प्लान आया था, आपको भी पता होगा, एक प्लान था एयरटेल में 10 Mbps का जी। बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई हम 1500 रुपये में 10 Mbps, 1600 रुपये में शायद 10 Mbps का प्लान लेते थे जी। अब वो क्या अवेलेबल है मार्केट में? अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, बट कंपनी ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया है। पहले जो हमारा प्लान था 1675 रुपये का, जिसमें कस्टमर को 5 महीने के लिए इंटरनेट मिलता था एंड कॉलिंग का सिस्टम मिलता था, बट अभी उस कंपनी ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और साथ में डिश टीवी का भी प्लान उसमें ऐड कर दिया है। अभी वही प्लान आपको 4000 में अवेलेबल है सेम 5 मंथ के लिए। 5 मंथ के लिए आपका डिश टीवी भी लग जाएगा, आपका 350 चैनल आपको उसमें मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी जो एयरटेल का जो सेटअप बॉक्स प्रोवाइड कर रही है वो आपका 4K एंड्रॉयड बॉक्स है। यानी अगर किसी कस्टमर के घर में वैसा टीवी हो जो नॉन एंड्रॉयड है या नॉन स्मार्ट है, उस टीवी पे भी कस्टमर अपना YouTube या OTT एप्लीकेशन जो होते हैं वो उस पर चला सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कस्टमर का। एक मिनट और है थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें है सबसे बड़ा चीज़ कि कस्टमर को पहले लगता था 199 रुपया प्लस GST, ठीक है, और अब कस्टमर को लग रहा है 399 प्लस GST, यानी ऑन एन एवरेज 450 रुपये का कस्टमर का कॉस्टिंग जाता है, जिसमें कस्टमर के घर पे इंटरनेट भी लग जाता है और डिश टीवी भी लग जाता है। यूजुअली अगर कोई कस्टमर अलग से डिश टीवी लगाता है तो करीब करीब 350 का कॉस्टिंग जाता है पर मंथ का, लेकिन अब 399 प्लस 18% GST को लेकर के अराउंड 450 रुपये होता है, और उसी में दोनों सुविधा मिल रहा है कस्टमर को। ये हमारा अभी उस प्लान को मॉडिफिकेशन करके अभी आया है। उसमें एक और बेनिफिट है कि आपको 399 चैनल भी मिल रहा है, ठीक है, प्लस उसमें जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है वो उसका एक फीचर्स है कि वो वॉइस सपोर्टेबल है। आप उसको बोलते हैं कि प्लीज चेंज द चैनल, तो चैनल भी चेंज कर देगा। वो जो हमारा रिमोट है वो भी वॉइस सपोर्टेबल है, एक मेजर बेनिफिट है उसका। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 1500 रुपये वाली 10 Mbps का जो प्लान था, बहुत लोग को लगता है कि वो बंद हो गया, लेकिन वो प्लान कंटिन्यू है, लेकिन वो प्लान आपका डिश टीवी के साथ कंटिन्यू है। तो बहुत लोग को ये कंफ्यूजन था प्लान को लेकर के, और अब चलते हैं दूसरे प्लान के बारे में जानकारी चाहते हैं,
जो लोग डिश टीवी नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब होता है कि हमें सिर्फ ब्रॉडबैंड की जरूरत है, डिश टीवी की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए क्या प्लान है, आइए उनके। तो अभी हम लोग प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इसमें था मेन चीज कि अब कस्टमर कोई ऐसा कस्टमर होता है जो सिर्फ ब्रॉडबैंड यूज करना चाहता है, वो डीटीएच नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल, तो उसके लिए कौन सा प्लान है ये बताएंगे हमारे यहाँ के सेल्समैन। यहाँ पे हमारे पास सबसे बढ़िया एक प्लान जो आया है कंपनी ने जो दिया है हमारे पास, 3,004 रुपये का प्लान है, जिसमें कस्टमर को 40 Mbps का स्पीड मिलेगा। इसमें आपका कॉलिंग का भी प्रोविजन एज इट इज, हर एक प्लान में हमारा कॉलिंग का प्रोविजन कंपनी दे रही है, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, 40 Mbps का स्पीड है, 3,004 रुपये में 6 महीने का प्लान आपको मिल जाएगा पहला बार में, इंस्टॉलेशन एंड राउटर दोनों आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप 6 मंथ का एक ही बार प्लान ले रहे हैं तो, एंड आफ्टर 7th 6th मंथ जब आपका प्लान एक्सपायर होता है उसके बाद अगर आप रिन्यूअल करते हैं तो हमारा जो प्लान आया है रिचार्ज करने पे 499 प्लस 18% का GST, यानी अराउंड वो 589 रुपीज का पर मंथ का जाता है। अगर कोई कस्टमर GST पे करना नहीं चाहते हैं, 18% जो GST जा रहा है, अगर वो पे करना नहीं चाहते हैं तो अगेन फिर से कस्टमर वही प्लान 6 महीने के लिए रिन्यूअल कर लेंगे, तो उसमें कस्टमर को 500 रुपीज का सेविंग हो जाएगा, GST उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमारे अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग छूट रहा था हम लोग से, तो इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वो क्वेश्चन था कि बहुत जगह सुनने को आता है 1,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट, यस, जो कस्टमर ने डीटीएच के साथ जो जिसके बारे में आप बता रहे थे अभी जी, उसमें कहीं कहीं सुनने को आता है कि 1,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिया जाता है, 3,300 रुपया प्लान का चार्ज है और 1,000 सिक्योरिटी, वो क्या है और कहीं नहीं लिया जाता है, तो इसलिए लग रहा है कि वो आपका एरिया जो है अर्बन में आता है और ये हमारा एरिया जो फतवा लोकेशन है हमारा ये रूरल एरिया में आता है, बट हम लोगों ने उस चीज़ के लिए ऑलरेडी कंपनी को मेल वगैरह और इंटीमेशन वगैरह दे रखे हैं ताकि उस चीज़ को रिमूव करा करके कस्टमर को जो एग्जैक्ट जो हर जगह लग प्राइसिंग लग रहा है वही सेम प्राइसिंग यहाँ पर भी लगे, तो वो चीज़ हम लोग बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं उसको हटवाने के लिए। ठीक, और कस्टमर को इसमें और क्या सुविधा ऐसा मिलता है, ऐसे मान के चलिए कि किसी का रिमोट खराब हो जाता हो, एडाप्टर खराब हो जाता हो, राउटर खराब हो जाता हो, तो क्या कस्टमर इसके लिए पे करेगा या फिर आप इसको जिम्मेवारी देते हैं? कंपनी जो एयरटेल है वो हर चीज के लिए आपके ऊपर मतलब डिपेंडेबल नहीं है, अगर आप सर्विस आपने लिया है कंपनी जब तक आप एयरटेल से जब तक आप सर्विस यूज कर रहे हैं एयरटेल की तब तक, अगर मान लीजिए कि अगर आपका एडाप्टर खराब हो गया, राउटर खराब हो गया, तार कहीं से ब्रेक हो गया, कंपनी उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके या नया लगा के देगी जब तक आप सर्विस यूज करते रहेंगे, उसके लिए कस्टमर को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ये लोग अपने जहाँ पे भी हैं जिस एरिया में भी हैं, अगर यहाँ पे फतुहा में हैं तो फतुहा एरिया में या फिर कहीं पे भी हो अपने एयरटेल की सेवा को ले, और अगर इस एरिया से देख रहे हैं फतुहा जिसका पिन कोड है 8032-01, इस एरिया से अगर लोग जुड़ना चाहें तो कैसे आपसे जुड़ पाएंगे या कैसे इस सर्विस को ले पाएंगे? इसके लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले ये जो आप बैनर देख रहे हैं ये एयरटेल का है, यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है मेरा 8709500416, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी कस्टमर को कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है तो डायरेक्ट आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी साइट ओपन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके पास एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा, आप उसमें भी अपना एड्रेस और अपना नाम और नंबर डाल के आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अगर आप जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे अगर हमारा सर्विस अवेलेबल है तो वहाँ पे जो भी सेल्समैन अवेलेबल होगा उसके पास वो आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा और आपको कॉल करेगा और आपसे बात करने के बाद आपके पास विजिट करेगा, फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान को सजेस्ट करेगा, फिर वो आपका बुकिंग करेगा, और अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं विद इन 24 आवर्स आपके पास इंजीनियर पहुंचेगा और इंस्टॉल करेगा, एवरीथिंग कंप्लीट करके डेमो देने के बाद ही आपको हो जाएगा। इसमें कोई जो प्लान लेने के बाद कोई हिडन चार्ज या इंजीनियर जाता हो तो कोई चार्ज का कोई हिडन चार्ज नहीं है और ना ही कस्टमर को 1 रुपया देने की जरूरत है। जब तक आप एयरटेल से जुड़े हैं सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, फर्स्ट डे क्यों ना हो आप जब आपके पास इंजीनियर जा रहा है
तो आपसे कुछ भी वो डिमांड कर रहा है तो आपको एक रुपया देना नहीं है और ना ही कंपनी डिमांड करती है। जो आप एक बार 3,004 रुपया पे कर दिए हैं उसी में आपका इंस्टॉलेशन भी है, उसी में हार्डवेयर है, उसी में सब कुछ है आपका, वो सब कुछ करके देगा। फाइनली डेमो देने के बाद वो आपके पास से आएगा, उसमें आपको एक रुपया कोई हिडन चार्ज नहीं, कुछ नहीं देना है। और कितने लोग को ये भी शिकायत रहती है कि इंजीनियर को कॉल करने पे कॉल रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कस्टमर को? ऐसा कुछ इशू नहीं आता है, कभी कभी होता है कि अगर इंजीनियर किसी पहले कस्टमर के पास जहाँ पे वो बुकिंग हुआ है वहाँ पे इंस्टॉल कर रहा होता है, उस दौरान वो कॉल को रिसीव नहीं कर पाता हो या कभी कभी टेक्निकल एरर के कारण, वो होता नहीं है मतलब रेयर केस में होता है इसलिए हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। और कभी कभी होता है कि सेल्समैन प्रेशर में आके बोल देता है कि नहीं 2 घंटे में करवा दूंगा 4 घंटे में, लेकिन मिनिमम हम लोग 4 आवर लेते हैं, लेकिन कंपनी का जो नियम है वो 24 आवर में अंदर आपका इंस्टॉलेशन पर हो जाता है और कंप्लेन भी सॉल्व हो जाता है। और जैसे कि मान लीजिए आपने लगवा लिया, लगवाते के साथ 2 दिन या 3 दिन के बाद या उसके बाद कुछ भी आपका एरर आता है तो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाना है और वहाँ हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, उस हेल्प ऑप्शन से अपना नाम नंबर डाल के आप वहाँ पे कंप्लेन रेज करेंगे। कंप्लेन रेज करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, विदिन 2 आवर्स आपके पास इंजीनियर विजिट करेगा और आपका कंप्लेन को सॉल्व करेगा वो। चलिए, और कोई भी जानकारी इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको अगर हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हमारे लोग इनका आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मेजर बेनिफिट मैं और चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप अगर आप यूजर हैं एयरटेल का कोई भी प्लान यूज कर रहे हैं, अगर आप अपने नियरेस्ट दोस्त यार या किसी रिलेटिव को आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू थैंक्स ऐप से आप रेफर करते हैं तो दोनों पार्टी को 300 रुपए का कूपन मिलता है जो कि नेक्स्ट रिचार्ज में आपका वो यूज हो जाता है। उस कूपन की वैलिडिटी होती है 30 मंथ, 1 ईयर 1 मंथ के लिए होता है, तो ये भी एक मेजर बेनिफिट है जिसको आप किसी अपने दोस्त यार को बता के आप लगवाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।